What if somebody जो आपके पास आया वो अम, उस ही जो उनको प्रिस्क्रिप्शन से मिला है रेटनॉइन अगर उन्होंने उसको अब यूज़ किया क्योंकि उनको लगा कि शायद अगर ये ज़्यादा यूज़ करें तो जल्दी जल्दी इफेक्ट शो होगा क्या ये कभी हुआ है एंड वॉट कैन बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ द वेरी पोटेंट रेटिनॉल येस yes, हमारे uh, क्योस्किन स्किन में हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स को हमने देखा है uh, जिनने किसी के कहने में आने के बाद स्ट्रॉन्ग रेटिनोइड्स यूज़ किए अपने फेस पे और hmm. uh, उससे काफ़ी स्किन में डैमेज uh, भी हुआ उनका क्योंकि रेटिनॉल्स जो होते हैं उनको या रेटिनोइड्स इनको दिन में नहीं लगाना होता ये फ़ोटो सेंसिटाइजर होते हैं आपकी स्किन को और सेंसिटिव बना देते हैं यूवी लाइट से सो so, ये वो पेशेंट जो था वो दिन में लगा रहा था और वो अनफॉर्चुनेटली uh, uh, वो स्पोर्ट्स में भी था तो वो लगा के धूप में जा रहा था सो so, उससे क्या हुआ स्किन और फोटोसेंसिटिव हो गई और uh, अच्छा होने की जगह वो टैनिंग को रिमूव करने के लिए लगा रहे थे उनकी स्किन और डैमेज हो गई बट थैंकफुली हमें वो आ, हमने वो केस जल्दी कैच कर लिया और ये यूज़ स्टॉप कर दिया hmm. तो रेटेनोइड्स जो हैं काफ़ी आप ऐसे कहीं से भी लेके नहीं लगा सकते अगर आपको कोई सजेस्ट भी कर रहा है वो प्रॉपर एक डर्माटोलोजिस्ट ही होना चाहिए आप किसी के कहने पे ये प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इनमें क्या है जैसे मैंने आपको बताया सेलुलर टर्नओवर रेट बढ़ जाता है यानी कि अगर आप उसे अब करेंगे तो स्किन में फ्लेकिंग होना ड्राइनेस होना hmm. स्किन में इजीली कट्स आ जाना ये सब भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसे अच्छे से यूज़ नहीं किया और जनरली जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं कि और स्किन में तो हम उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक अच्छा थे एक मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन टाइप को सूट कर रहा है उसके साथ सप्लीमेंट करके देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे सो hmm. so, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते ही हम लोग ये एंटी एजिंग या रेटिनोइड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं